हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लामिस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। लामिस थ्योरम कब यूज होता है? जब थ्री वेक्टर्स का सम उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाए तभी हम इसको यूज करते हैं। लामिस थ्योरम तभी हम यूज करेंगे जब क्या हो, तीन वेक्टर दिया हुआ हो और तीनों वेक्टर का क्या होना चाहिए, सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी हम इसका यूज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, तो देखिए लामिस थ्योरम, तो लिखेंगे क्या कि दिस थ्योरम इज यूज्ड ओनली व्हेन रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स विल बी जीरो। दिस थ्योरम इज यूज ओनली व्हेन रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स विल बी जीरो। यदि तीन वेक्टर का सम क्या होगा, जीरो होगा, तब हम लामिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अब देखिए कि हमने तीन वेक्टर कंसीडर कर लिया, वेक्टर ए, दिस इज नथिंग बट द वेक्टर पी, दिस इज वेक्टर क्यू एंड दिस इज वेक्टर आर। ये दिया हुआ है कि ये तीनों वेक्टर के रिजल्टेंट का सम क्या है, जीरो है। हमने मान लिया कि अल्फा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन क्यू एंड आर, बीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी, एंड गेमा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड क्यू। ठीक है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन पी एंड आर, बीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर आर, गेमा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड गेमा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। और ये दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है कि इफ, यहाँ देखो अकॉर्डिंग टू लामिस थ्योरम क्या होगा कि इफ हम लिख दें इफ वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू प्लस क्या होगा वेक्टर आर इक्वल टू क्या होगा जीरो, देन अकॉर्डिंग टू लामिस थ्योरम क्या होगा, पी अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा क्यू अपॉन साइन बीटा इक्वल टू आर अपॉन क्या होगा आर अपॉन साइन क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू अदर वेक्टर मस्ट बी ऑलवेज क्या होगा कांस्टेंट, मस्ट बी ऑलवेज करो पी अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू क्यू अपॉन साइन बीटा इक्वल टू आर अपॉन क्या होगा साइन गेमा। ये रिजल्ट हम यूज करेंगे तो आसानी से क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये तभी हम यूज करेंगे, क्या होना चाहिए कि वेक्टर कितने होना चाहिए, तीन होना चाहिए, और तीनों वेक्टर के रिजल्टेंट का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सी यहाँ दिया हुआ है तो इसको ऐसे भी डायग्राम ड्रॉ कि ये पी वेक्टर हो गया, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा क्यू वेक्टर एंड दिस इज नथिंग बट द क्या होगा आर वेक्टर। यदि आप ट्रायंगल यूज करोगे तो यही क्या होगा पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया। तो इस टाइप का यदि सिचुएशन दिया हुआ है तो हम लामिस थ्योरम यूज करके आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, तो देखो ध्यान से, पी अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू क्यू अपॉन साइन बीटा इक्वल टू आर अपॉन क्या होगा साइन गेमा। अब एग्जांपल के लिए जैसे देखो क्या दिया हुआ है कि इफ पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो एंड वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है एंड वेक्टर आर इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या है रूट टू टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी। ठीक है, देन क्या पूछा गया है, फाइंड ए में क्या लिखोगे एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू, बी में क्या है एंगल बिटवीन क्यू एंड
वेक्टर r, c में क्या है एंगल बिटवीन वेक्टर r एंड वेक्टर। तो देखो इसको दो मेथड से हम सॉल्व करेंगे। एक तो हम क्या कर सकते हैं, अब मुझे क्या करना है, लामिस थ्योरम यूज करना है। क्या करना है, लामिस थ्योरम यूज करना है। तो पहले हम क्या यहाँ सॉल्यूशन में लिखता हूँ, और सॉल्यूशन में आप पहले लिखना M1 मेथड फर्स्ट। इसमें क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग लामिस थ्योरम। लामिस थ्योरम को यूज करके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है, तीन वेक्टर दिया हुआ है, तीनों का रिजल्टेंट क्या है, जीरो है। तो अब हम लिख सकते हैं, देखो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूं। यही हमने मान लिया कि दिस इज वेक्टर p, ठीक है, दिस इज वेक्टर q, दिस इज वेक्टर q एंड दिस इज वेक्टर r। r का जो मैग्नीट्यूड है थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हमने वेक्टर r लिख दिया। अब वेक्टर r इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यदि मैं मान लूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q इक्वल टू क्या है x, तो ये कितना हो जाएगा रूट टू x, ये कितना हो जाएगा x एंड दिस इज ऑल्सो क्या होगा x। अब ये वाला एंगल हमने अल्फा माना, ये वाला एंगल क्या होगा बीटा, और ये वाला एंगल क्या है गामा, यही है ना। अब हम आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लामिस थ्योरम क्या लिखेंगे, p अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू r अपॉन साइन क्या है, ठीक है। जो हम यहाँ फोर्स वेक्टर लिख रहे हैं, साइन ऑफ कौन सा एंगल लेना है, एंगल बिटवीन टू अदर वेक्टर। अब यहाँ दिया हुआ है कि देखो, यहाँ दिया हुआ है p, आई मीन x अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन साइन बीटा इक्वल टू रूट टू एक्स अपॉन क्या हुआ साइन गामा। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ मालूम चल गया कि अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि हम एक क्या होगा अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या हो गया बीटा, और एक बार आप लिखोगे तो यहाँ लिख सकते हो साइन गामा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, चलो इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। आई मीन हमने क्या मान लिया, साइन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा, साइन गामा अपॉन क्या होगा साइन बीटा या अल्फा कुछ भी लिख लो, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट टू, ठीक है, एक इक्वेशन ए। तो हमने यहाँ लिखा क्या होगा, साइन गामा अपॉन साइन क्या होगा थीटा इक्वल टू रूट टू, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। हमने क्या मान लिया कि अल्फा इक्वल टू बीटा, हमने थीटा कंसीडर कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि एक और रिलेशन दिया हुआ है, देखो यहाँ यहाँ दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री, यही हो सकता है। अब हम लिख सकते हैं कि 2 थीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 360, तो गामा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 360 माइनस 2 थीटा। अब इसको हम सेकेंड इक्वेशन लिख लें, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम क्या होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा सेकेंड, तो हम लिख सकते हैं कि साइन साइन ऑफ क्या होगा 360 माइनस 2 थीटा इज अब रूट टू टाइम क्या हो जाएगा साइन थीटा, यही होगा। अब देखो साइन 360 माइनस 2 थीटा कितना होता है, माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा रूट टू साइन क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं कि माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रूट टू क्या होगा साइन। अब इधर कॉमन ले लें हम, तो क्या लिख सकते हैं, देखो कि साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस थीटा माइनस रूट टू इक्वल। अब साइन थीटा कभी जीरो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा कभी जीरो नहीं हो सकता है, याद रखना है यहाँ अल्फा बीटा और गामा कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा
साइन थीटा नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो लिख सकते हैं कि टू कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस रूट टू। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन बाई क्या होगा, रूट टू। तो ऑब्वियसली थीटा, देखो कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 135। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 135 डिग्री मान जाए। एक ही भी मेथड, तो थीटा मालूम चल गया, आई मीन क्या हुआ, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या हुआ, 135 डिग्री एंगल मालूम चल गया। अब गेमा इक्वल टू क्या है, गेमा इज इक्वल टू 360 माइनस कितना है, 2 थीटा। तो 360 माइनस 270 यही है ना, ठीक है। अब यस, तो कितना हो जाएगा, जीरो है ना, और ये कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ अल्फा बीटा इक्वल टू क्या मिला, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 135 डिग्री और गेमा इक्वल टू कितना मिला आपको, 90 डिग्री मिला आंसर, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट मेथड था जिसको हमने क्या किया, यूज करके हमने सॉल्व किया, ठीक है। क्या है, फर्स्ट मेथड। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू, देखो ये मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना, 16 माइनस ठीक है 9 और ठीक है ना। तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हुआ, 135 डिग्री और गेमा इक्वल टू क्या मिल गया, 90 डिग्री। तो आप आसानी से इसको, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, मेथड टू, देखो दिया हुआ है क्या है कि P प्लस क्यू प्लस R इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। अब हम ऐसे लिख सकते हैं, अब ध्यान देना है कि जो दो वेक्टर के बीच एंगल कैलकुलेट करना है उसको एक तरफ रखो और दूसरे वेक्टर को क्या करो, इक्वल के अदर साइड लेकर के चले जाओ। तो मुझे P और Q के बीच एंगल कैलकुलेट करना है तो हम क्या लिखेंगे, P प्लस क्यू इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, माइनस आर। अब क्या करो, पी प्लस क्यू ठीक है इक्वल टू क्या लिखो, माइनस आई मीन माइनस मॉड ऑफ आर, ठीक है दोनों तरफ। तो यहाँ लिख सकते हो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, ठीक है कॉस थीटा इज इक्वल या कॉस अल्फा, ठीक है क्या है पी एंड क्यू, ठीक है कॉस थीटा मान लो तो कितना हो जाएगा, ये आर हो गया, स्क्वायर कर दो तो क्या मिल जाएगा। अब देखो हमने माना है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर जो है वो क्या है, क्या दिया हुआ है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। अब देखो यहां से लिख सकते हैं कि पी, अब दिया हुआ है कि P का मैग्नीट्यूड इक्वल टू Q का मैग्नीट्यूड इक्वल टू हमने x मान लिया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ R कितना हो जाएगा, क्योंकि रूट टू P दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, रूट टू x हो जाएगा, वैल्यू रख दो तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू कितना हुआ, 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या हुआ, 90 डिग्री। आई मीन क्या हुआ, उस केस में हमने क्या माना है कि P एंड Q के बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो देखो यहाँ गेमा इक्वल टू कितना मिल गया, 90 डिग्री, आई मीन एंगल बिटवीन क्या हुआ, एंगल बिटवीन P एंड Q, Q वेक्टर Q इज इक्वल टू क्या मिला, इज 90 डिग्री, मालूम चल गया। उसी तरह मुझे किसके बीच एंगल फाइंड आउट करना है, किसके बीच, चलो P एंड R के बीच फाइंड आउट कर लो। तो वेक्टर P प्लस वेक्टर R इक्वल टू हमने क्या लिखा, नाउ ठीक है सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी, माइनस वेक्टर Q। अब लिखो तो P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल टू 2PQ cos थीटा इक्वल टू R, सॉरी गलत लिख दिया है, R स्क्वायर यहाँ क्या होगा, R और ये क्या होगा, स्क्वायर करो तो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस क्या होगा, टू पी आर कॉस थीटा इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और ये कितना होगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है यहाँ नहीं गलत लिख दिया, रूट टू
cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया जीरो, यहाँ से लिख सकते हो cos थीटा इक्वल टू माइनस वन बाई रूट टू, तो थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो यहाँ से मालूम चल गया कि एंगल बिटवीन क्या हुआ, एंगल बिटवीन P एंड R इक्वल टू क्या हुआ 135 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या है, सिमिलरली आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या, सिमिलरली एंगल बिटवीन क्या होगा, एंगल बिटवीन R एंड क्या होगा वेक्टर Q इज कितना होगा 135। यहां से भी आप आसानी से क्या कर सकते हो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्या होगा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, देखो क्या है मल्टीप्लीकेशन और क्या पढ़ेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब देखो दो वेक्टर को हम दो तरह से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या है मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, देयर आर टू वेज बाय विच वी कैन मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स। फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और इसी को क्या बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और क्या बोलते हैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट। तो दोनों मेथड से देखो इस तरह से इफ यू मल्टीप्लाई वेक्टर बाय यूजिंग दिस मेथड योर रिजल्टेंट वेक्टर विल बी स्केलर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इफ यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स बाय यूजिंग दिस मेथड देन योर रिजल्टेंट वेक्टर आई मीन व्हाट एवर वेक्टर यू गेट आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स दैट विल बी ऑलवेज क्या होगा वेक्टर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्या होगा वेक्टर। यहाँ क्या होगा डॉट प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ डॉट सिंबल यूज करते हैं, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने वक्त हम क्या करते हैं डॉट लिखते हैं। यहाँ हम क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं कि दो वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ मल्टीप्लीकेशन का जो सिंबल देते हैं वो क्या लिखते हैं क्रॉस लिखते हैं। तो देयर आर टू वेज बाई विच वी कैन मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, वन इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, एंड अदर इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट और क्या है क्रॉस प्रोडक्ट। इसी दो तरह से हम वेक्टर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अब हम आते हैं क्या है दूसरा, इसका पहला मेथड हम देखें क्या स्केलर प्रोडक्ट, क्या है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। हम पहले क्या पढ़ेंगे स्केलर और क्या पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहां दिया हुआ है दो वेक्टर हमने माना कि क्या है कि लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर एंड थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या है हमने दो वेक्टर मान लिया क्या कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है बी है, उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है, क्या है थीटा दिया हुआ है। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा स्केलर और क्या होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिनोटेड एज ए डॉट बी। इसको क्या पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और क्या पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिनोटेड एज ए डॉट बी एंड इट इज
defined as a dot b is equal to magnitude of vector a into magnitude of vector b into cos of angle between vector a and vector b. क्या है इसको हम क्या पढ़ेंगे? डॉट प्रोडक्ट. क्या पढ़ेंगे इसको? डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ठीक है, इसको ए क्या होगा, इधर मैं लिख देता हूँ यहाँ. ठीक है, तो अब आपको यहाँ से ध्यान देना है कि देखो यहाँ क्या क्या कंडीशन हो सकता है. तो हमने क्या लिखा, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, इसको हम कैसे रीड करेंगे, डॉट प्रोडक्ट. क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. दिस इज कॉल्ड magnitude of vector A. This is called magnitude of vector B. And this is nothing but the angle between vector A and vector. तो याद रखना है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो इधर क्या है, कोई वेक्टर नहीं है, इधर भी वेक्टर नहीं है और इधर भी क्या है, वेक्टर. अब याद रखना है यहाँ क्या है, देखो ध्यान से आप देख सकते हैं कि ये स्केलर वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में भी क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स. क्या cos थीटा का वैल्यू, एज वी नो दैट द एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 180 degree. 0 से 180 degree के बीच एंगल कुछ भी हो सकता है और आप जानते हैं कि cos का वैल्यू 0 to 90 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 90 to 180 क्या होगा, निगेटिव होगा. इसलिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो उसके बाद हम लिखेंगे क्या यहाँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, देखो ध्यान से, मैग्नीट्यूड नहीं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड ऑन क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स एज वेल एज क्या होगा, एंगल बिटवीन देन क्या चीज पे डिपेंड करेगा. तो यहां लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, देखो स्केलर प्रोडक्ट और क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड क्या होगा बी डिपेंड ऑन. पहला पॉइंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. दूसरा जो पॉइंट है क्या है, एंगल बिटवीन क्या होगा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दैट इज थीटा. दो चीजों पे क्या है, डिपेंड करता है. सेकंड जो पॉइंट है वो हम क्या लिख सकते हैं, यहां क्या लिख सकते हैं, देखो अगला जो है क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में भी पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मे बी पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो डिपेंडिंग
on the value of theta. ठीक है, थीटा के वैल्यू पे क्या होगा डिपेंड करेगा. तो हम लिख सकते हैं कि इफ क्या होगा, इफ यहां लिखेंगे इफ, इफ क्या होगा थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंड देन क्या होगा देन ई डॉट बी विल बी क्या होगा ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा क्या होगा, क्यों यहां लिख सकते हैं कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा जीरो से बड़ा होगा. बी में क्या लिख सकते हैं, अब देखो बी में क्या होगा इफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री. ठीक है, तो यहां क्या हो सकता है देन देन ई डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस 90 इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा. ठीक है, सी जो है इसमें हम क्या लिख सकते हैं, सी में लिख सकते हैं कि इफ इफ थीटा इज क्या होगा लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन क्या होगा 90 डिग्री देन देन क्या लिख सकते हैं ए डॉट बी विल बी लेस देन क्या होगा जीरो. क्यों, क्योंकि कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा वन से क्या होगा सॉरी जीरो से क्या होगा छोटा होगा. तो ये क्या होगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और क्या होगा जीरो डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा एंगल बिटवीन क्या होगा टू वेक्टर्स. अब क्या होगा कि कॉस थीटा, ठीक है, ये आपको क्या करना है माइंड में रखना है. अब हम क्या लिख क्या सोच सकते हैं यहां से, थर्ड जो पॉइंट है कि टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वी ऑलवेज यूज क्या होगा वी ऑलवेज यूज. अब देखो क्या होगा, यहां क्या हो सकता है दो वेक्टर पैरेलल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं. ठीक है, अब यहां एक और पॉइंट है, देखो क्या होगा कि स्केलर बाद में हम आते हैं स्केलर और क्या होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विथ इट्सेल्फ विथ क्या होगा इट्सेल्फ इज ऑलवेज क्या होगा ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर गिवन. अब देखो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, ठीक है, कैसे सोचेंगे कि कोई वेक्टर दिया हुआ है, मान लो कि क्या है ए वेक्टर ये दिया हुआ है, तो इसी के देखो तो कोई वेक्टर है उसी का क्या है किसी वेक्टर का उसी के साथ स्केलर प्रोडक्ट लेना. देखो तो हम क्या लिख सकते हैं ए डॉट क्या लिखेंगे ए इक्वल टू क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा. थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखो तो ए वेक्टर यही है दूसरा वेक्टर भी यही होगा ऐसे ही होगा ना. अब यहाँ हमने क्या लिखा बी वेक्टर इक्वल टू हमने वेक्टर ए मान लिया, तो दोनों देखो पैरेलल हो गए तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया जीरो डिग्री हो गया. तो ये क्या हो जाएगा देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सॉरी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विथ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी विथ वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर स्केलर वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर एन कैप विथ एन कैप इज इक्वल टू क्या होगा वन. उसी तरह हम लिख सकते हैं आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू क्या होगा वन जे कैप इंटू जे कैप इज इक्वल टू वन के कैप इंटू के कैप इज इक्वल टू क्या होगा क्यों आई डॉट आई क्या लिखोगे वन स्क्वायर तो वन ही होगा. ये आपको समझना चाहिए देखिए है ना. तो क्या होगा कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विथ इटसेल्फ विल बी ऑलवेज क्या होगा विल बी ऑलवेज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इटसेल्फ.
क्या करोगे, किसी वेक्टर का उसी के साथ स्क्वायर प्रोडक्ट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड के क्या होगा, स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि यहां क्या हो जाए, गिवन टू वेक्टर्स क्या होगा, अब देखो क्या है, दो वेक्टर्स, ठीक है, तो यहां क्या लिखें कि किसी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विथ इटसेल्फ इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। तो उसी तरह हमने आई डॉट आई, इंपॉर्टेंट होता है आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट क्या होगा, के इक्वल टू क्या होगा, ऑलवेज क्या हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा। अब हम क्या पढ़ेंगे कि अगला पॉइंट क्या है इसमें कि When two vectors क्या होगा are parallel, क्या होगा, When two vectors a and b will be क्या होगा, parallel भी हो सकता है, perpendicular भी हो सकता है। तो हम पहले देखेंगे क्या कि when vector a is normal to क्या होगा vector b, that is क्या होगा, that is theta equal to क्या होगा 90 degree। ठीक है, क्या होगा, theta equal to क्या हो जाएगा 90 degree। I mean एक vector क्या है, ये वेक्टर ए दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर क्या दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है। तो यहाँ देखो ए डॉट बी लिखोगे तो क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस 90 degree, और ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो दो वेक्टर यदि क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, क्या होगा, जीरो होगा। अब देखो क्या होगा, आपको मालूम है कि यहां ध्यान से देखना, ये क्या होगा, अब मैं एक जगह ए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक क्या होगा जेड एक्सिस, जेड एक्सिस हमेशा आप कंसीडर करना आउट ऑफ द बोर्ड, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है, इनटू द बोर्ड, जिसे ऐसे सोचो। ठीक है, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप, और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप होता है। यहाँ भी आप देखेंगे तो ये सबके बीच एंगल कितना होगा, 90 degree। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि I डॉट क्या होगा, I डॉट J इक्वल टू J डॉट क्या होगा, J कैप, J डॉट क्या होगा, K इक्वल टू K डॉट क्या होगा, I इक्वल टू क्या होगा, J। आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या लिखा, I डॉट I क्या होगा 1, J डॉट J क्या होगा 1, K डॉट K क्या होगा 1, लेकिन I डॉट J, J डॉट K, K डॉट I will be always क्या होगा, 0। ठीक है, दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो always क्या होगा, 0 होगा। यदि दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कुछ अलग होता है जो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इससे रिमेनिंग जो पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।